अब लगातार जो है लोगों को जो है थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत काफी भीड़ हो गई है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी काफी यहाँ पर अलर्ट है, और चूंकि बस अब अगले कुछ मिनटों के बाद, महज 10 से 12 मिनट के बाद पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा और सीधे जो घर के बाहर का जो हॉल है वहां पर ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी अभी छोटे से चाहेंगे कि तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाते रहे। देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और बहुत जो है नेताजी से जुड़ी कोई बात आपको याद हो, आज बहुत बड़ी क्षति जो है। सेक्रेटरी नेशनल डिग्री कॉलेज भोगांव में हूँ, और नेताजी ने सबसे पहले हमारे कॉलेज को 1988 में अपनी निधि से 2 लाख रुपए करीब दिया, और पूरे मैनपुरी को दिया। यहाँ इवन देन सैपरी मेडिकल कॉलेज बड़ा बन गया, जिससे कम से कम अराउंड 20-25 डिस्ट्रिक्टों से मरीज यहाँ आते थे, बहुत से मरीज सही भी हो जाते थे। इतना खाने पीने का इतना अच्छा व्यवस्था दी, शायद मैं समझता हूँ इससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती। और नेताजी ने शुरू से हर एक जात का ना देखा, हर एक के प्रति सजामना रही, खासतौर से मैनपुरी के लिए स्पेशली उन्होंने अभी 12 से 17 के बीच में कम 5,000 करोड़ का काम हुआ, जिसमें 100 हॉस्पिटल बना बेड का। देखिए, विकास से तमाम कार्य हुए, कुछ और भी लोग हैं, आंखें उनकी नम है, हम उनसे बात करते हैं। नेताजी से क्या कुछ है, आप भावुक बहुत ज्यादा है। आज नहीं बोल पा रहे। जो भी मैनपुरी की पहचान है वो माननीय नेताजी के कारण है पूरे विश्व में। नेताजी ने मैनपुरी के लिए बहुत योगदान किया, आज हम लोग उनके जी। और हमारे सहयोगी सऊद लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और सैफई जब मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंच रहा था लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। सऊद, कैसी तस्वीर इस वक्त आप दिखाइएगा, आसपास नजर आ रही है? मैं तो सऊद लगातार बने हुए हैं और हम तक पूरी जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सैफई मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। तमाम लोग लेकर कैसे आगे बढ़ना है, वो हमेशा जेपी सजानंद या लोहिया तमाम लोग की जो बातें हैं वो हमेशा अपने जो भाषण में जो है कहते थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, एक व्यक्ति है जो बहुत भावुक। अच्छा, कुछ ऐसी बात जो आपको याद हो, जो उन्होंने आपसे कभी कही हो? नेताजी की वो बातें याद है जो हमेशा समाजवाद की बात करते थे, हमेशा ईमानदार और सच्चाई की बात करते थे। वो हमेशा गरीब लोगों को, जो छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते थे। वो लोहिया जी के पचनों की बात करते थे हमेशा, जैसे मिस के पचनों की बात करते थे। आज हमने अपने आप में सब कुछ खो दिया है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो चुका है हम लोगों का। बहुत आप भावुक हैं, आंख से आंसू लगातार आपके गिर रहे हैं, कितने व्यक्तिगत रूप से क्षति है आपकी? हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझे कैसे अभी तक, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम करें क्या, हम लोगों को यही नहीं जानकारी हो रही, हम करना क्या चाहिए, हमें हम बोल नहीं पा रहे हैं आज, हम मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहे हैं आज हम। ये जो आप तस्वीर है, ये आपको तस्वीर यहाँ पर हर किसी के शख्स के चेहरे पर दिखाई पड़े, क्योंकि हर आंखें जो है नम है, और अपने कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि हम तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाएं, क्योंकि देखिए बस अब चूंकि गेट के पास जो है वो हलचल तेज हो चुकी है, और सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट हो चुकी है। बस कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया जाएगा, और फिलहाल नेताजी का जो व्यक्तित्व था, जो नेताजी की जो इमेज थी, वो जो है यही वजह है कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। नेताजी नहीं रहे, कितनी क्षति मान रहे हैं? राजनीति में तो क्षति है ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। विशेषकर मैं उन्हें भगवान के रूप में मानता था, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक पीड़ा है। अब तो प्रभु से की प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दें। तमाम लोग हैं जो नेताजी से सीधे जुड़े हुए हैं, लगातार आपको आंखें जो हैं वो नम दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर, और हर किसी के चेहरे पर इस वक्त जो उदासी है वो आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेताजी का एक खास बात थी कि वो हमेशा यहीं पर, जब यहाँ पर आते थे, यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर जनता दरबार लगाते थे, यहाँ पर लोगों के साथ बैठते थे, और आज फिलहाल ये कह सकते हैं कि नेताजी अपने अंतिम सफर पर हैं।
तो सऊद सऊद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सऊद, तस्वीरें दिखाइए इस वक्त की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई पहुंच चुका है, अभी कैसी हलचल बनी हुई है? जी जी जी, हलचल देखिए यही है कि पूरा का पूरा सैफई देखिए सोनिका इस वक्त सड़कों पर है। मैं ये तस्वीर दिखा दूं, आप ये देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त सैफई से कुछ कदमों की दूरी पर, समझ लीजिए कह सकते हैं आप, क्योंकि जो आखिरी मोड़ आता है करहल के बाद और सैफई में पहुंचने के लिए कुछ एक किलोमीटर का ये वक्त रह जाता है, तब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम उस काफिले के साथ साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि बाकी कुछ गाड़ियां आ रही थी, बहुत सी मीडिया कर्मियों की गाड़ियां थी, उन्हें 3-4 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, लेकिन हम नेताजी के काफिले के साथ थे इसलिए अंदर आ पाए हैं। और ये आप देखिए, पूरा का पूरा सैफई सड़कों पर है, छतों पर लोग नजर आ रहे हैं, पूरे के पूरे लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपने बड़े नेता, अपने सबसे चहेते नेता को एक बार आखिरी बार देखना चाहते हैं। आपको बता दें सोनिका, ये जो एक वीआईपी मूवमेंट है, यहां पर गाड़ियों का जो काफिला गुजर रहा है, इसके आदि है सैफई वासी, अक्सर नेताजी आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है, उनकी भावना अलग है, उनकी वेदना अलग है, उनकी उनका अफसोस अलग है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब इस बार उनका जो सबसे वो ऐसा नेता हम न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में बल्कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं विश्व पटल पर ला करके स्थापित कर दिया और सैफई का नाम रोशन कर दिया, वो नेता जब वापस अपने अंतिम सफर के बाद सैफई अपने पैतृक गांव अपने घर पर पहुंच रहा है, जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा, जहां पर वो खेला बड़ा हुआ, जहां पर उसने दंगल खेला, पढ़ाई की, उसके बाद मास्टरी के बाद सियासत के दांव पेच खेले, इस सफर के बाद वापस नहीं निकल पाएगा, सिर्फ बाहर नहीं निकलेगा, वो इसी सैफई की मिट्टी में दोबारा मिल जाएगा, जिस मिट्टी से वो आगे बढ़ करके पूरे विश्व प्रदेश में नाम रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी सऊद, आप नजर बना के रखिए, आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि आज बहुत जरूरी हो जाता है तमाम दर्शकों तक हर तस्वीर पहुंचाना, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, आज सुबह उनका निधन हुआ है और जी हिंदुस्तान मेगा कवरेज कर रहा है, एक एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं उनके गाँव सैफई से भी, क्योंकि सैफई में इस वक्त माहौल बहुत गमगीन हो चला है। मुलायम सिंह यादव का कद ही ऐसा था, उनकी छवि ही ऐसी थी, इसलिए आज पूरा सैफई गमगीन है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।